नमस्कार, आप सबका स्वागत है। पंजाब में रिकॉर्ड होने वाले वल्गर गीत, शराब और हथियारों को प्रमोट करते गीतों पर चर्चा तेज हुई, जब पिछले साल दिसंबर में पंजाब की मुड मंडी में एक शादी के दौरान 25 वर्षीय महिला डांसर कुलविंदर कौर की मौत गोली लगने से हो गई थी। इस कारण एक व्यक्ति ने वल्गैरिटी को बढ़ावा देने वाले रैपर्स को एक नोटिस देकर कहा है कि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। एक युवक दिलजीत दोसांझ के गीत बंद बोतले शराब दिए पर नाचते नाचते गोलियां चलाने लगा और युवती को लग गई। उसकी मौत के बाद इन गीतों पर पाबंदी की बात भी उठी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संज्ञान लेते हुए पंडितराव धरेन्वर ने पिछले दिसंबर में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक प्री फाइल की थी। वे चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज से 46 में पढ़ाते हैं। पंडित राव बोले जब पीआईएल डाली तो जस्टिस सारों ने पंजाब और केंद्र के सांस्कृतिक विभागों एसपी और डीसी बठिंडा को जवाब देने के लिए कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रात के 10 बजे के बाद एम्पलीफायर चलाने पर रोक लगाई है तो नियमों की अनदेखी क्यों की गई? 25 अक्टूबर को पीआईएल पर पंजाब सरकार या केंद्र सरकार की ओर से कोई उपयुक्त जवाब नहीं मिला तो जस्टिस एके मित्तल ने इन सरकारों से जवाब देने को कहा। पंडित राव धरेन्वर ने कहा कि जो सिंगर शराबी हथियार और वल्गर गाने गा चुके हैं, जो कंपनियां इन्हें रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं, वे चैनल्स 15 दिसंबर तक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ऐसा नहीं होने पर हम 18 दिसंबर को वो ऐसे सभी गायकों के नाम पेश कर जज से अपील करेंगे कि इन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया है, इन्हें माफी मांगनी ही होगी। कोई भी आर्ट हो, सेल्फ सेंसरशिप जरूरी है। जब कुछ हद से परे होता है तो हिंसा उपद्रव होता है। मुझे लगता है कि इस मामले में किसी व्यक्ति विशेष या किसी म्यूजिक कंपनी के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। कल्चर पॉलिसी बन नहीं सकती क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं। हमें शिक्षा के स्तर को अच्छा करना होगा, तभी बात बनेगी। दैशतुल शर्मा, संगीतकार।